और ये जो ये टी शर्ट देख रहे हैं ना, ये तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने लास्ट ट्रिप में बताया था कि मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मैं जा रहा हूँ कोटा। तो अभी हमारा निकलना था 4:30 बजे का, बट 5 बज चुके हैं, सो कोई ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग गाइस। सो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं कोटा, और अभी हमारे मतलब निकलना था 4 बजे का, तो अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हूँ आज। मैं इन पर ब्लेम नहीं करूँगा कि ये लेट है। सो बाइक दोनों रेडी है और मतलब सब कुछ ऑल सेट। चलो मिलते हैं बाइक पे। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं भाई, आज पहली बार बोलने का हक अपने को कि अपन जल्दी आए। चलो निकलते भी यार। यार मैं 3:30 बजे उठ गया था, लेकिन क्या करूँ यार, पैक वैक करते 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 लेट हो गए। चलो मिलते हैं, बाकी यार लेट हो जाएंगे फालतू, क्योंकि जल्दी वहाँ पहुँचना है कोटा। लेट्स गो। सो भाई ऑल सेट, बाकी थोड़ा लेट हो चुके हैं, टाइम हो गया 5:40। सो बेसिकली हमने सोचा था कि 4 बजे निकल जाएंगे, 4 नहीं तो 4:30 निकल जाएंगे यार। मतलब जितनी जल्दी सोचते हैं उतना जल्दी हो नहीं पाता, और 6 बज चुके हैं और अभी हमको फ्यूल लेना है पहले, और लेट्स गो। सो पहले फ्यूल व्यूल लेंगे और उसके बाद चलेंगे। और कोटा है यहाँ से 229 किलोमीटर, और ये बता रहा है 3:50, तो 4:50 मान के चलिए, क्योंकि 1 घंटे हम रुक भी जाएंगे, ब्रेक भी लेंगे, चाय भी पियेंगे, और बाकी यार वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियोस देखें। और वीडियोस देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई को यार, लाइक वाइक कर देते हो आप तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो कॉमेंट्स कर दीजिएगा, कॉमेंट्स का तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, तो सभी कॉमेंट्स का रिप्लाई कर पाता हूँ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यार कॉमेंट्स पढ़ने में, मज़ा आता है आपके। नहीं भाई नहीं, ऐसे सामने मत आने, ऐसे डर लगता है, ये कुत्ता सामने आ रहा है मेरे, पीछे पड़ रहा है। सो पहले रिफ्यूल करवा लेते हैं, देखते हैं कितने का फ्यूल आता है। 1000 रुपये का पेट्रोल आ गया, बताओ 11 लीटर फ्यूल आया, और अपनी में देखते हैं कितना फ्यूल आएगा, क्योंकि मेरी बाइक तो पूरी टैंक खाली पड़ा है, और इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, खुलता नहीं है ये, बस बस निकल जाएगा फिर। सो मेरी गाड़ी में आया 860 रुपये का फ्यूल, बताओ इतना महंगा, 81 हो गया फ्यूल, 81। सो मीटर को कर देते हैं 0, ताकि अपन को पता चल जाएगा अपन ने कितनी राइड की है। सो चलो चलते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि जब मैं अपना लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ राइड पर, मैं लैपटॉप नहीं लेके जाता, तो मेन चीज़ क्या है कि SJKM की जो रिकॉर्डिंग होती थी इतनी वो नहीं होती थी हाई, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में 32 GB का कार्ड फुल हो जाता है, और मेरे फ़ोन में 40 GB जगह है, तो 128 है, उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ पहले ही है, तो वो मैं डिलीट कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो लैपटॉप ले चलते हैं, हर काम कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम होता है, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और ये भी फर्स्ट टाइम है कि हम दो ही जने राइड, इतनी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं अर्जुन और मैं। तो कोटा है 220, और यार ये कोटा वाला जो रोड है, टोंक रोड है, इस पर इतनी गाय मिलती है रोडों पर यार, सच में मतलब मेरे को सबसे अच्छा जो रोड लगता है ना, वो इस मामले में लगता है सिर्फ दिल्ली रोड सबसे बेस्ट, एक भी गाय नहीं मिलेगी आपको रोड पर। तो ये आ चुका आज का हमारा राइड का पहला टोल। तो यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वीडियो की लेंथ 8 से 10 मिनट रखूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि 6 मिनट, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो की लेंथ क्या बेस्ट रहेगी आपके अकॉर्डिंग। तो यार सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा, इतना प्यारा वेदर, सनराइज़ होने वाला है, फुल मज़ा है यार। तो मौसम तो देखो ऐसा वाला हो रहा है कि बारिश आ सकती है, तो अपन ने बैग बिल्कुल ऐसे पैक किया है कि बारिश भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मोबाइल और कैमरा हटाएंगे और GoPro भी हटा देंगे यार, मतलब मेन चीज़ क्या है यार, फिर GoPro हटाना पड़ेगा, ये है वाटरप्रूफ तभी रहता है जब इसमें माइक नहीं लगता है, माइक लगेगा तो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। चुका है पूरा गीला, और अपन ने GoPro चार्जिंग पे लगा दिया है, और मतलब चार्जिंग पे लग रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन के अब बैग हो जाएगा पूरा गंदा, बिकॉज क्योंकि जब पानी रोड पर जाता है हल्का सा भी, तो क्योंकि मड़गट नहीं है ना पीछे, यही तो।
सो बाकी हमने कम से कम 150 किलोमीटर से ज़्यादा राइड कर चुके हैं। कोटा 90 किलोमीटर के समथिंग है। तो हम यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे और मैंने कैमरा गोप्रो हटा लिया था अपने हेलमेट से, बिकॉज यार बारिश आने लग गई थी तो रिस्क लेना नहीं था यार, वाटरप्रूफ था वाला केस है नहीं। गोप्रो हटा के मैंने बैग में पैक कर दिया था वापस, बिकॉज यार गीला हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, आगे की वीडियोज़ कैसे देखते आप। सो बाकी हम यहाँ रुके हैं, पद्मिनी रेस्टोरेंट है, इस पर चाय वाय पीते हैं और फिर चलेंगे, देखते हैं क्या सीन रहेगा। और आगे यार हमने जो सोचा था कि हम 9 बजे तक कोटा पहुँचेंगे, तो 9 बजे तक इजीली पहुँच जाएंगे, 8:30 बज चुके हैं, तो मैं भी अब आधा घंटा यहाँ रुक भी जाएंगे तो 9:30 या 10 बजे तक भी कोटा पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन इन्जॉय करना है, कल भी इन्जॉय करना है। सो चलो मिलते हैं फिर से, चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं बाइक पर। तो बेसिकली यार पूरा सेटअप मैंने हटा दिया था बिकॉज बारिश आ गई थी, अब थोड़ा ठीक है। हमने यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे, अब चाय वाय पी ली और बाकी चलते हैं। बाइक यार कल वॉश की थी और पूरी गंदी हो गई यार, मतलब वही है ना यार, मतलब वॉश की और पूरी मेहनत बेकार। सो अब रोड थोड़ी सूखी है क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी धूप आ गई थी, अब वापस धूप चली गई है तो मैं भी बारिश आ सकती है वापस। तो सर्दी वाली फीलिंग आ रही थी, अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, मतलब जैसे हम खड़े हुए ना पेंट पर भी ऐसा लग रहा हीट आने लग गई। तो ये टनल स्टार्ट होती है, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी टनल है और शानदार वाला व्यू है, मज़ा आ गया। हम चल रहे हैं सुरंग स्ट्रेट। तो बेसिकली ये हाईवे छोड़कर कोटा के लिए ये रास्ता जाता है और कोटा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और है बस। हम पहुँच गए कोटा ऑन टाइम, 10:30 बजे हम कोटा पहुँच जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि राइडर अर्जुन भाई कैसा मोटर व्लॉग करते हैं तो बिल्कुल उनके चैनल पे जाके देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, कैसा इंटरेस्टिंग मोटर व्लॉग बनाते हैं वो। तो बाकी वो बहुत कम करते हैं, लेकिन मैंने आज उनको बोला कि मोटर व्लॉग करना है तो बाकी कर रहे हैं आज वो भी, कि चलो ठीक है। तो चंबल नदी है ये जो यहाँ से नीचे से जा रही है, ये देखो ये चंबल रिवर है, बहुत पानी होता है इसके अंदर। और ये देख रहे होंगे आप मैप के अंदर भी, ये पानी पानी दिख रहा है। देखते हैं बाकी होटल कौन सी है आसपास में, कोई होटल लेते हैं फिर चलते हैं कहीं घूमते हैं फिरते हैं, मज़े करेंगे यार, पहले तो कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। यहीं बहुत होटल है यार, मिल जाएगी कोई सी। तो मैंने डाली है ओयो की एक होटल है, होटल कंचन इन, देखते हैं उसमें क्या सीन रहेगा। हमारी डेस्टिनेशन इन द राइट, ठीक है भैया। सो बाकी अभी कोटा पहुंच चुके हैं, रूम में चेक इन किया है, कंचन क्या नाम था होटल, कंचन इन करके, और काफ़ी अच्छे में हमें चीपेस्ट रेट में रूम भी मिल गया, क्योंकि अभी तो आपको पता है थोड़ा ऐसी सिचुएशन चल रही है तो रूम वूम सस्ते में मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ आके हमने हमारा लैपटॉप और बैग वैग रख दिया है यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, तो थोड़ा अर्जुन भाई को अभी काम है तो रेडी हो रहे हैं, तो पहले वो काम करेंगे, आज का दिन काम का, बाकी कल घूमेंगे। सो बाकी वो दूसरा वीडियो आएगा अर्जुन भाई के चैनल पर, राइडर अर्जुन राठौर, स्क्रीन पर नाम भी आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी अभी तैयारी चल रही है फुल। सो बाकी यार सुबह से तो बारिश हो रही थी तो काफ़ी मज़ा आया बाइक चलाने में, लेकिन कोटा से मतलब 80-90 किलोमीटर पहले इतनी भयंकर गर्मी थी। और बाकी हम 10:30 बजे तक कोटा पहुंच गए थे। और ये जो ये टी शर्ट देख रहे हैं ना, ये भाई की तरफ से गिफ्ट है, तो भाई ने गिफ्ट किया है, तो काफ़ी अच्छी टी शर्ट है, तो मैं आज पहन के आया हूँ, आज वीडियो इसी में, आज का दिन इस टी शर्ट के साथ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन सो फार सो गुड, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।